आप नई टेक्निक भी सीख सकते हैं मेरे चैनल पे। वसीमा जी ये हमारा टैलेंट भी देख लीजिए, ये हाफ के जी है एंड आई थिंक ये फ्लॉप हो गई हमारी रेसिपी। हे गाइस, मैं हूँ आपका अकबर अहमद एंड ये है आपकी वसीमा खान। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत इजी टू बेक है और मिनटों में बन जाती है। आपकी लाइफ बैचलर हो या है आपके घर में बच्चे, सब हैं उसके दीवाने। तो क्या हम बनाने जा रहे हैं चिवड़ा नमकीन। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हम मिनटों में आपके सामने बना देंगे बहुत महंगी बिकने वाला चिवड़ा एकदम सस्ते में। सही बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स तो बताए जाए इंग्रेडिएंट्स के। बहुत ही सस्ते में पड़ा है मंगल बाजार से, ये है आपका 30 रुपए का हाफ के जी चुरमुरा, बहुत से बोलते हैं चूड़ा बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज, चिवड़ा भी बोलते हैं, चूड़ा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। तो ये आपका 30 रुपए का हाफ के जी है। 40 रुपए की 250 ग्राम यानी कि पाव भर मूंगफली का दाना, जिसको बहुत इजी रेसिपी है, कुछ नहीं है, कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद वही हमारे कैच करें जरा हल्दी नमक और मिर्च, हम जादू कर देंगे और इसी मिर्च को अपने दुश्मनों को लगा दो तो उनके और तेज लगती है। सही बात है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपके कढ़ाई लेना है, गैस जलाना है, देन फिर उसमें डालना है ऑयल। तो हम डाल रहे हैं सबसे पहले ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं आप, रिफाइंड यूज कर सकते हैं, सरसों का ऑयल, सरसों का तेल, जो आपका दिल करे, बस देसी घी मत लीजिएगा, ऑयल ही लीजिएगा वरना जम जाएगा। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको डालना है ये मूंगफली। जहन में आए भाई कि मैं एज एन बैचलर तो मैं सोच रहा था कैसे बना दे, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी बना दी जाए ताकि जितने भी बैचलर्स हैं घर में आराम से रूम पे बना सकते हैं, खा सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं, जैसे कि मैं ले जाने वाला हूँ। तेल आई थिंक गर्म हो गया है अभी तक। अच्छा ये कौन सा तरीका ऐसे देखें, आप देखें ना जब आपका हाथ बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सके तो गर्म हो गया रेडी टू, या जब ये नई टेक्निक पता चली है क्योंकि कच्चे में डालेंगे ना तो ये ज्यादा पिएगा फिर ऑयली हो जाएगा। हाँ। तो आप डालेंगे इसको, हमें हल्का हल्का रखना है, फ्राई होना शुरू हो जाए थोड़ा सा और हो जाए, बहुत ज्यादा भी डालेंगे वरना ये जल जाएंगे। चलिए अकबर भाई डालिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से। अच्छा मैं बहुत कच्चा हूँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लेट से डाल दीजिए साइड से आराम से, कोई बात नहीं, वेरी गुड। बाकी जो आपको फ्राई करना है जब आपको लगे कि अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी अभी रोस्ट होने लगेगा, अभी थोड़ी देर में ना अकबर भाई आपको खुशबू आ जाएगी, अरे वाह, भुनने ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हमें बेसिकली से ना क्रंची करना है, हमें कुछ जलाना नहीं है, कुरकुरा कुरकुरा, चिटक चिटक की आवाज आ रही है, चिटक मतलब अब ये देखो अच्छे से रोस्ट होने लगे हैं, बस हमें इसी पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना है और कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस ये हो जाएगा अभी क्रंची, डार्क होता चला जा रहा है, कसर हो रहा है। देन आपको इसको अलग से निकाल लेना है सारे, और ये देखो कितने कुरकुरे एंड क्रंची हो चुके हैं ना, थोड़ा सा ये ऑयली हो रहा है, मैं इसे इस पे डालती हूँ टिश्यू पे ध्यान से, मतलब चिकन बनाते मैंने प्याज डाला पूरा तेल उड़ गया, बाप रे धमाका चिकन बन गया अकबर अहमद तो कुछ भी कर सकता है। अभी हमारा जो मूंगफली का दाना है वो एकदम फ्राई हो गया है, देन अब बारी आती है हमारे इसको डालने की, तो ये हाफ के जी है एंड अकॉर्डिंग टू दी कढ़ाई, इसको हम पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा डालेंगे, वरना कहना कि आपका जब ओवरलोडेड हो जाएगा ना तब भी आपका खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा डाल दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कम हो जाए, अब ये ठंडी हो जाएंगे इसे हम साइड में। ड्राइड वॉश्ड करी पत्ता है, इसको मैं थोड़ा सा तड़के के लिए डाल रही हूँ, कई लोग मस्टर्ड सीड भी डालते हैं लेकिन हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, वो वाला तेज गर्म है। एंड यहाँ पर आपको नमक लेना है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च लेनी है, और ये हमने निकाल लिया है जितना हमको नमक और जितना हमें अंदाजे से चाहिए। अगर कोई कमी रहेगी तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। और ये है आपकी हल्दी, हल्दी सुनना, हल्का सा हल्दी का कच्चापन हटाया, हमने इसमें अपना चिवड़ा ऐड करना शुरू किया, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, जितना प्यार से जितना सुकून से आप खाना बनाओगे उतना बेहतरीन बनेगा। इसको क्रिस्पी कर लेते हैं थोड़ा क्रंची, फ्लेम पे बहुत तेज पे नहीं, हमें जलाना नहीं है, हमें इसे क्रंची करना है, एंड आप इसे चलाते रहें जब तक ये एकदम क्रंची नहीं हो जाता। तो आफ्टर वसीमा जी ये हमारा टैलेंट भी देख लीजिए, तो इसमें भी आप ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू आप ऑयल थोड़ा सा ज्यादा है ये वाइड बनाने में अभी ये हो गया, लेकिन अभी गीला है तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा चबेगा नहीं, तो
अभी गीला है तो आई थिंक सूखने के बाद ये ड्राई होगा तो क्रंची और कुरकुरा हो जाएगा। तो देखते हैं कि रेसिपी हमारी सक्सेसफुल होती है या ये वाला चप्पा रहा है। देखो अभी सूखेगा तो हो जाएगा, अभी गीला है ना। इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये हमारा चूरा रेडी हो गया, लेकिन अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना है ना, चब नहीं रहा आई थिंक, तब जाके ये कुछ व्हाइट शक्ल में आएगा, अदरवाइज ये च्यू नहीं हो पा रहा है हमसे। तो हालांकि अभी एक ऑप्शन ये है कि ये अभी गीला है तो जब ये ठंडा हो जाएगा सूख जाएगा उसके बाद ट्राई करेंगे कैसा है। तो बस अगर आप भी ऐसे हमारी फनी और एंटरटेनमेंट भरी रेसिपी देखना चाहते हैं अलग अलग खाने की कि हम लोग पास हुए या फेल हुए, तो जल्दी से हमें कमेंट में बता दे। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट रेसिपी कौन सी ट्राई करें विद वसीमा खान। तो मिलते हैं सीधा नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बाय, अल्लाह हाफिज़।